ये शेलखी नौरीन कहाँ तोहर घर पर छो कहाँ पर छो द्वार द्वार कौन कारण पर गेलो चंपा डगनी से दरकार देखकर हाल दी के समझाए सुनकर होते ही इतना दिल में विश्वास चंपा डगरीन के सजैया शेलखी नौरीन दैया जवाब की सुन सुन है चंपा डगरीन कहल बचन हमार राजा तापरौनी गे चंपा नगरी सजैया जवाब के सुन सुन गे सिलखी नौरीन कहल दिल प्रेम के बाद बारह बरस पर पत्थर पर सती माई अपुरा के दू भी जलम लई है हम ना जवाब वैसे हमरा चाहिए लहंगा पटोर और लाली लाली डोली साबू जी लगल हार डोली का हार लेके अबे तब हम चलबो राजपुरी धर्म के दरबार तखनी का समय में सिलखी नौरीन जाकर सती माई से जिंगमा का हार के बोलवा का लाली लाली डोली साबूजी लगल हार और पेटार में से लहंगा पटोर लेकर सती माई से मांग कर ले के अलग जे से चंपा डगरीन के द्वार चंपा डगरीन लहंगा पटोर पहन का बतीसो अवरंश हो सिंगार का लाली लाली डोली में बैठ गए और जिंगमा का हार खंडा उठा का चल जावा जैया भैया कहरा हे चल जावा जैया भैया कहरा पारौली दारा बारा चल जैया पारौली हो दारा सीमान पर पहुंच गए और चंपा डगरीन डोली से उतर का और की करैया एका देवरी जैया चंपा दादा रे चंपा नगरीन दोसर देवरी जाइया तेसर देवरी
घर लाज है दे उठवैया ताहे समय में बाबू कारी के जलम हो जाइया सती माइया बुरा के भोग से जलम लेके बाबू कारिक तरा के दैछन माई सती के जवाब कि सुना सुना हे मैया सती कहले दिल प्रेम के बात हे माई सती उ डगरिन तोहर गात छू देता हो तो हम ना करबो तोहर बूढ़ा हाथ तू ओकरा इनाम डाला घर सोना डाला घर रूपा दिए हूँ लेकिन तू अपन गात ना छुएगा तब हम तोहर दूधा हार करबो बाबू कारिक के जलम अवतार हो गेलै हे भैया जलम अवतार जब महाराज का तबुआ के जलानिया हो भेला ये पाँचो दसो दिमान दक्षिण गंगा हनुमान नीचे शेषनाग धरती ऊपर निरंजन भगवान यहाँ की बात हो भैया पंचा यह छोड़ दहु तब आय सुन आगे के हो गए I'm gonna get you.
राज परौली धर्म के दरबार में जन्म जब भेलन तो चारों दिशा आनंद हो गेलन, लेकिन मुझ गेलै कामर राज के नैना मैना की मनिक पहलाद। ता समय में नैना मैना की जब पहलाद महुछलै मुझ गेलै नैना मैना सनैया जवाब के सुन सुन के साथ सो चेलिन कहल बचन हमार लकी ये जावाया सागुन चेलिन आसा कामर राज में की कमरुआ के मनिक पहलाद मुझा गेलौ। जल्दी सीन के साथ सौ चेलिन जो ए भी ब्राह्मण पंडित के ला बोला था ऊ पोथी पत्रा पुराण देखतै जे कौन ऐसा असगुन से कमरुआ के मनिक पहलाद मुझा गेलौ। चेलिन छा दौड़ल धावल धुबल जाइया विप्र ब्राह्मण पंडित के पास। पंडित द्वार पर जब जाइया पंडित पंडित साथ सौ चेलिन करैया मलकार। पंडित के आठों अंग डर से थर थर कपैया शरीर कहैया सदैया जवाब विप्र ब्राह्मण पंडित के सुन सुन के जोगिन कहल बचन हमार की तोरा घटलौ अंधन लक्ष्मी की घटलौ भरल बंदा की पर गेलौ पंडित से दरकार। देखकर हाल हमरा दीते समझाए न सुनका होई तही रिलवा दिल में बीता राज कामर में मनिक पहला चरित रहे एक साज लेसी दूसर साज लेसी तेसर साज कामरूप के गले मुझाए की अशगुन बीत गलाई तेकर हाल तू तने खमरा न समझाए नाता नैना मैना जोगिन तोरा बाले बच्चे के बाहर सी झोंक के कहो भी आने बच चला कामर राज में जल्दी चला और जोगिन के बाद सुनता ये जो है जो दीप ब्राह्मण पंडित धावल धोवल छोड़िया कमंडल उठेलक चल देलक कामर संराज और कामर राज में नैना मैना जोगिन के द्वार पर सजैया जमात की सुना सुना हो गुरुयान कहल बचन हमार हे सवा हाथ धरती नि बाबा और जाओ तिल एक लोटा जे है से गंगा जल होम दीप लावा हम तोरा पथी पुराण देखत छियो जे की असगुन बितलो कामर राज में हे भैया खरी पलख में नैना मैना जोगिन शबा हाथ धरती नि बादैया और जाओ तिल ही हुमात चक्कर लेकर और जे है से पंडित के बैठा दिया। पंडित महाराज विप्र ब्राह्मण पंडित की करै छन एक पाना देखलन हो बाबा पंडित हो देखैया दोसर पन्ना देखैया तेसर पन्ना में प्रौली राज के उतरैया कि दुश्मन कामर के जलम ले लेल कौकारिक नंदलाल अवतार ओकरा जलमैते कामर के दीप मुझा गेल त दुश्मन जलम ले लेल कौपारा उली गे दारा जालम ले दा कौपारा उली
ब्राह्मण पंडित नैना मैना जोगिन से सजैया जवार की सुन सुन के नैना मैना जोगिन कहल बचन हमार। ये तो हर दुश्मन राग परौली में कारिख नंदलाल सती कोख से जलम ले गो अतार ओकरा जलम लेते और तो हर कमरुआ के बूझ गेलो मनिक पहला जेकरा पिता के तू भेरा बना के कैले हती कामर में बनिसार ओकरे पुत्र जहिया जलम ले को कारिख नंदलाल। इहे से तो हर कारण हौ कि काम रूप के दीप पहलाद मुझा गेलो। अब नैना मैना जोगिन के सजैया मने मने करैया विचार कि अब हमर न बचत कामर सनराज। अब जे है से सात सौ चेलिन के नैना मैना जोगिन सजैया जवाहर के सुन सुन के चेलिन सब कहल दिल प्रेम के बात। हे जे चेलिन जेबे प्रौली राज के बउआ कारी के लिए अबे उठाए ओकरा आधार आज हम कामर के लिख देब। ये भैया सात सौ जोगिन चेलिन में कोई तैयार न होइए कि हम परौली राज में जाएं और बाबू कारी के लाइम उठाकर ये लड़की जलम लेलथिन परौली राज में और मुझ गेले कमरुआ के मनिक पहला। उ कैसन पीर है कैसन भूप है कि हम न जबोगे गुरुआन राज परौली धर्म के प्यार में। तब जे है से नैना मैना गुरुआन की कहलक पान के बीरा रख दिलक आज जे कहते ही पान के बीरा सेहे जाते राज परौली धर्म के ओकरा जे है जे बउआ कारी के उठा कर लेते ओकरा आधा राज कमरुआ के हम लिख देबा। ए भैया जे ये बयान ना सुनले रहे जोगिन से आज तीन गो से तीनों बीरा पान खा ले खा ले तब जे है जे बीरा पान खा ले तब जे है जे नैना मैना जोगिन कहे छे ये जोगिन तोरा जाय के हो राज परौली धर्म के दरबार तोरा उठा के लावे के हो बउआ कारी के तोरा आधा राज हम कामर के लिख देबो लिख देबो। तीन गो जे है से जोगिन मिलल आज जाके जे है से जोगिन इनाम पाकर इनाम के नाम सुनकर आ एगो चनन के गाछ रहै वही चनन के गाछ पर बैठ गेलै डाढ़े पाते और जादू हक लकाई और कहै छै चल गे चनन राज परौली धर्म के दरबार। वो रंथ बनकर वो चनन के गाछ जे है से चल दिल कर कहाँ राज परौली दरबार कामर रूप छोड़ के और जोगिन से चल जाए रहे राज परौली दरबार कैसे कैसे जाए रहे कैसे करन था बने ले गे जोगिनिया पहुंचैया रंथ ले ले नीचा तकैया त मोर घटिया नजर पर ले ओ में आगी टोपी झुनझुना रह गे से मोर घटिया में जे लइका थैया मर गेल रहे ओकर आगी टोपी जे है से रहै ओए जगह रंथ दिल मा क और सब आगी टोपी के ले ले लग जोगिन सब उठा के और उठा क आ ले क चल गेल कहां रात परौली धर्म के द्वार न न धर्म के द्वार न राज परौली के सीमान। हेलो हेलो राज परौली के सीमान पर जैसे जुम जाइया ता समय में बाबू कारिक 12 बरस आगे 12 बरस पीछे के हाल जनित रहथिन और बाबू कारिक मने मने बजाई छान अब सोचई छान कि माई हमार जैसे सोईरी घर में है माई की अगर नींद टूट जाइए तो कहते कि जैसे हमार बेटा के कारण माई के हाथ फेल हो जाते चाच भार बाबू कारिक माई सती के नींद दे छन और बाबू कारिक विप्र ब्राह्मण पंडित के रूप धक और परौली राज के सीमान पर पहुंच जाय छन। जब सीमान पर पहुंचे छन त नैना मैना जोगिन के चेलिन छ रंथ बिलमा दैया परौली के सीमान पर और सीमान पर जब पहुंच जाइया तब महाराज कारिक विप्र ब्राह्मण पंडित के रूप में हतन खड़ा
आप जैसे रंग बिल में भैया जोगिन सजैया जवाब की सुना सुना हो विप्र ब्राह्मण पंडित कहल बचन हमार हो राज परौली धर्म के द्वार हमरा जाय के है सती हमर बहिन लगैया धर्म के उकरा कोख से लेलक बहिन पुर जलमौता उकर नाम है कारी नंदलाल हमरा करे है के है बेटा से मुलाकात ये भैया माई सती सात भर नींद लेलका प्रौली दरबार में सुत और बाबू कारिक पंडित रूप में जोगिन से बात करी थी। बाबू कारिक पंडित रूप में बता देथिन ये है रहिया धले चल जो प्रौली दरबार में आरोहे दरबार में जो है से तुहर बहिन पुत मिल जतो ये भैया और कह का लुप्त हो जाय छै लुप्त हो गेल थन कारिक बाबा विप्र ब्राह्मण पंडित के रूप छोड़ के लुप्त हो जाय छन और हसा देखे लईते गे जोगिनिया सा छमकल जाइया और यह से बाबू कारिक माई सती के सात भार नींद देकर और बाबू कारिक माई सती के गोद में सुतल हथिन जोगिन से गेलै एक देवढ़ी टपैया दोसर देवढ़ी टपैया तेसर देवढ़ी में बाबू कारिक के पाजा में समेट लिया बाबू कारिक तो माई सती के सात भार नींद देले हथिन माई सती सुतल हथिन निस्वाल बाबू कारिक के जोगिन से ले लिया और छाती में अपन दूध महुरिया लैया छाती में महुरिया लैया छाती में महुरिया लैया आ दूध महुरिया का बाबू कारी के छाती लगवैया मुँह में बाबू कारी कैसे करै छन त एक चोभ की मरल न हो दुलारुआ दोसर चुहुक्का मारे छन तेसर चुहुक्का जब मारे छन त जोगिन सब के थान जे है फाटल जाइया दरा से बेचैन हो जाइया अलेले जोगिन से चलल जाइया सीमान पर और जब सीमान पर परौली के सीमान पर जे है पहुंच गेल तब जोगिन से कहिया कि अब दुश्मन के लेके हम अब चल जान कामर सनराज में बाबू कारी कहे छन जे मौसी तू तो हमर धर्म के मौसी ने लग गई एक बेर छलांग लगैल ना पांच कदम आगे कूद के खड़ा हो जाय छन और खड़ा होकर आएगो कूस उखार क आ एक कूस चलल थिन दो तीनों जोगिन के कोनो के भाव कटैया कोनो के लीलार कटैया कोनो के एहुना फुटैया कोनो के ठेहुना फुटैया कोनो के आधार कटैया कोनो के पछार कटैया काट दिलन तब कहै छन कि गे मौसी आई ना बिहान बिहान ना परसों हम तो ऐबे ने करबै कमरुआ रात में तब हम कैसे तोरा चीन हम जे तू हता हम मर मौसी चिनासी हम दे दलियो हो जाहो जाहो जे हम कल जे है सी आयम कामर राज के तो हम चीन हम जे हम मर मौसी है
बांधे हतान। प्रेम से बोल रहा भैया एक बार कारी खा महाराज की जय। ए भैया वो जादू वाला अंगीठो भी झुनझुना अच्छा ले कर गिलाई कोनो आंगी पे भैया कोनो टोपी महाराज कारी कोनो झुनझुना के जोगिनिया सा जोगिनिया अच्छा। ए भैया बहुत भाई माय बहन भाई तक जैसे गाय कर सब बहुत कुछ गवई थी लेकिन हमरा तक गावे ना अब छोरे भाई अतिथि गण श्रोता भगवान माँ बहन भाई अगर भूल चूक होता ही तो भाई बंधु समाज के क्षमा कर दीजिएगा। प्रेम से बोल रहा भैया एक मेरे कारी खा महाराज की हेलो हेलो आदरणीय माननीय अतिथि गण श्रोता भगवान माँ बहन भाई ये भजन भाव ये शाहपुर की वासी रविंदर राय जी और पोस्ट लक्ष्मीपुर थाना महुआ जिला वैशाली साथ में संग में ये रामनाथ जी शैंदर जी दिनेश जी प्रेमलाल जी राजीव कुमार जी और हमारे साथ में छरीदार में गन्नूलाल जी सियालाल जी और शिव शंकर बाबू शिव शंकर राय जी और जो है सो साथ में मिलके ये बाबा का विवरण कैसे जो है सो बन रहा है अगर टूटी फूटी होगा तो भाई बंधु समझ के क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलता भैया एक बार कारी खा महाराज की Recorded by Baba Studio Fatuha. Recorded by Dilip Ji Fatuha.